क्या है भाई साहब, ये ऊपर से कोई पानी फेंक रहा है क्या? कितना सारा, इतना सारा। Rise and shine, 42 degree Celsius. Welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. तो मैं और शानिस रेडी हो रहे हैं मुंबई जाने के लिए. अभी बज रहे 12. वसीम और अब्दुल भाई 7:45 को निकल गए थे, लेकिन हुआ क्या, 50 किलोमीटर जाने के बाद अब्दुल भाई का कुछ कूलर लीक होने लगा. उनको लगा कुछ वायर वायर खट गया है. वापस दिल्ली में आए, सुजुकी गए, उन्होंने बोला हीटिंग की वजह से बस लीक हो रहा था, तो अभी टॉपअप कर दिया, ढक्कन लगा दिया. अभी उन लोग बाजू से निकलने वाले हैं. होपफुली वील कैच अप, लेट्स सी. आशा करता हूँ कि या तो लेट नाइट या तो अर्ली मॉर्निंग में मुंबई पहुंच जाऊंगा. अगर मैं नॉन स्टॉप अच्छे स्पीड पकड़ के जाता हूँ तो होपफुली सुबह के 6 बजे पहुंचूंगा, लेकिन अगर नहीं तो रुक रुक के जाऊंगा और दोपहर के 12 बजे एंटर करूंगा, क्योंकि मुझे मुंबई के अंदर ट्रैफिक में एंटर नहीं करना और बारिश भी बहुत हो रही है तो ट्रैफिक तो लगेगा ही. कब की फ्लाइट है? अभी शाम की, अभी तो कराऊंगा मैं तो, अभी सबके लिए रुका था, सबको बाय बाय करूं फिर कराऊंगा फ्लाइट. चलो अच्छा है. वसीम अब तो अभी निकल गए, अपन भी निकलते हैं, मिलते हैं कभी मुंबई में. कभी क्या, तू तो यार रात को ही पहुंच जाएगा. अपने को तो पता नहीं कल परसों कभी पहुंचेंगे हम लोग. कल कल तू देख अभी. आई जस्ट रियलाइज कि हम लोगों ने कैश निकाला है नहीं, और हमारे पास गिन के सिर्फ 60-70 रुपए हैं. अभी टोल आ गया है, ये देखो टोल आ गया है, तो टोल में मुझे कार्ड स्वैप करना पड़ेगा. फिर भी शानिस ने इधर उधर से निकाल के 65 रुपीज़ निकाले. मैं उसको बोल रहा था कि कैश रख, मैं कार्ड स्वैप करता हूँ, क्योंकि आगे कैश की जरूरत पड़ सकती है, तो आगे जगह पेट्रोल भी भरना और कैश भी निकालना है. हाउ कैन वी बी सो स्टूपिड, गाड़ी में कैश नहीं है. यार हम भी पागल हो गए हैं मुंबई जाने के लिए. 130 किलोमीटर हो गया है, स्टॉप नियर द फूड स्ट्रीट समवेयर. कुछ खाने को लेते हैं, कुछ खा के निकले नहीं थे वो. थैंक यू, थैंक यू. नाइस प्लेस है, यहाँ पर बहुत कुछ था लेने के लिए. तो अपना काम हो गया, अभी अपन निकलते हैं नैनी स्टॉप. बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस 42. आई वंडर हाउ अब्दुल भाई वसीम भाई कोपिंग अप, दे आर बिहाइंड. बहुत ट्रक्स दिखते हैं यार जयपुर हाईवे पे. तो वी आर क्रॉसिंग जयपुर एंड होपफुली वी शुड बी रीचिंग अजमेर इन नेक्स्ट 3 आवर्स. मेरा प्लान ये है कि फट से अजमेर पहुंच जाऊं, बिकॉज अजमेर के बाद मुंबई ना मैं 13-13.5 घंटे में मार सकता हूं ऐसा लगता है मुझको, अगर रात रात का टाइम रहेगा और ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहेगी. बिकॉज जब हम आए थे संडे था तो रास्ता ऑलमोस्ट खाली था. अभी भी रास्ता खाली है, लेकिन बीच बीच में ट्रैफिक आ जाती है, ट्रक ट्रैफिक. और आपको पता है ट्रक जब एक साथ रहते हैं तो रेस करने की कोशिश करते हैं पर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं. एनीवे, सो फार एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट. फाइनली बरसों बाद एक एटीएम दिखा, अभी अपन एटीएम से पैसे निकालेंगे. साढ़े 400 किलोमीटर बाद एटीएम मिला है, फटाक से नोट निकाले. बीच में बहुत सारे एटीएम आए थे, लेकिन वो ऐसे सिचुएशन में आए थे कि मैं गाड़ी रोक नहीं सकता था. डीजल गाड़ी में बहुत है, लेकिन फिर भी रुक गया. ये क्या है, कचरा. वसीम और अब्दुल भाई लंच के लिए रुक गए. तो शानिस को पूछा लोकेशन देख कितना दूर है. 157. क्या अबे, वो लोग दिल्ली से निकले तो 40 किलोमीटर दूर थे. 157 कैसे हो गए? 157 किलोमीटर बिहाइंड अस. अरे यार, हम लोगों ने गाड़ी में चल देते लंच किया, वो लोग रुकने की बात कर रहे, लेकिन अभी और बहुत कुछ करेंगे रुकने के बाद. वॉशरूम, रजनीगंधा, ना ये ना वो. एक बार रुक जाता ना आदमी तो फिर बहुत मुश्किल होता है वापस हेलमेट पहन के गियर पहन के बाइक पर बैठना. इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि टैंक टू टैंक चलो, एटलीस्ट 2 टैंक चलो, उसके बाद ही ब्रेक लो, वरना मत लो. उतना हाफ फेस रहता है इसीलिए. उससे सर दुखता भी, वो नहीं करना चाहिए. ब्रेक, रिमूव द हेलमेट. ये देखो कितना भर गई इधर. गाड़ी चलाने के बाद आपको समझ में आता है कि कितना सारा टोल लाकर कितने सारे पैसे घुस जाते हैं आपके रोड ट्रिप पे. बाइक पे तो फ्री. जयपुर जोधपुर हाईवे इतना प्यारा और मक्खन हाईवे ना बॉस, अभी और अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं. सनसेट भी आई थिंक अभी 45 मिनट्स में हो जाएगा. अंधेरे में चलाने का एक ही प्रॉब्लम है कि एकदम हाई स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते, तो अंडर 100 ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या, अभी सिर्फ 2 लोग हैं ना इसके लिए. ये देखो हाईवे, देखो बॉस. ट्रांजिशन ब्रेक नहीं है, फोटोग्राफी ब्रेक है. 3 दिन से एक फोटो नहीं लिया, सोचा कि एक फोटो तो लेते हैं यहाँ पर हाईवे पे. क्या बोलती शानिस, पानी वानी भी पीते जरा. और कैमरा तो एकदम ठंडा बर्फ हो गया गाड़ी के अंदर, और बाहर 38 डिग्रीज है, क्योंकि भी फील नहीं होगा, थोड़ी देर में फील होगा. तो तुम गाड़ी के अंदर वापस चले जाएंगे. एग्जैक्टली 400 किलोमीटर हो गए. आई जस्ट स्पोक टू वसीम, दे आर 145 किलोमीटर बिहाइंड. फिर से रुक गए पानी पीने के लिए. आई डोंट ब्लेम देम यार, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है.
क्योंकि अभी सनसेट हो जाएगा तो थोड़ा गर्मी कम हो जाएगी, तो उन लोगों के लिए भी स्पीड मेंटेन करना आसान हो जाएगा। अभी इसके बाद आएगा माउंट आबू रोड जो कि बहुत अच्छा होगा। माउंट आबू रोड के बाद मेरी स्पीड थोड़ी टूटेगी, लेकिन उसके बाद जब वो अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे आएगा वहाँ पर मैं अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकता हूँ। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और शानी से बहुत अच्छी फोटो निकली है, नाइस यार, और अच्छी निकलना। राजस्थान का यही बात है कि ये सब खूबसूरत महल टाइप चीजें दिखती है। मस्त होटल था ना? हाँ। होटल था। हाँ तो भैया सीन कुछ ऐसा है, गाड़ी लेके रुकी सीधा पालनपुर अहमदाबाद हाईवे पे 647 किलोमीटर बिफोर माय हाउस। अभी चाय नाश्ता करते हैं, सुसुपी लगी है, मस्त। जरूरी थी ये चीज करने की, पीने के लिए। मुझे नींद तो नहीं आ रही, लेकिन बोर हो रहा है सेम रास्ता देखते देखते। और वसीम और अब्दुल भाई अभी 220 किलोमीटर पीछे, 220 किलोमीटर पीछे, क्या बोलेंगे अभी यार। आई डोंट ब्लेम देम आल्सो। ये वसीम और अब्दुल भाई जब भी ब्रेक लेते हैं मुझे खाने की फोटो दिखा दिखा के भूख लगा डाली है यार। क्या इडली गुजरात में आके खा रहे अपन इडली और ये मेदूवड़ा। बस इडली खा ली, अब रुकने का कोई भी प्लान नहीं है। रास्ते के लिए थोड़े स्नैक्स ले लिए। शानिस कीप इट, दिस इज योर ड्यूटी, टाइम टाइम पे मुझे खिलाते रहना। सो इट्स 11:45 इन द नाइट। गूगल मैप बोलता है कि अपन 11:10 पे पवई पहुंचेंगे। लेट्स सी इसे जल्दी पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गाड़ी रोकूंगा कुछ भी करूंगा तब मैं मिलता हूं, बिकॉज़ रात भर ध्यान देके गाड़ी चलानी। ओके, 279 किलोमीटर बिफोर माई हाउस, इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग। मैं एक्चुअली गाड़ी यहाँ पर साइड में लगा के सो गया था 1.5 घंटे के लिए। बहुत नींद आ रही थी, हाई बीम पड़ रही थी। सो अभी वापस रोड पे जाते हैं, शहने सो मच सो ही है। एक्चुअली एसी चालू करके गाड़ी चलाना बहुत नींद आती है। सो फार सो गुड, वसीम और अब्दुल भाई भी रुक गए अहमदाबाद के 100 किलोमीटर पहले, उन लोगों को भी नींद आ रही थी। मैं अगर चाहता तो गाड़ी नहीं रोकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू गूगल मैं सुबह 10 बजे पवई पहुंचता, तो मैंने बोला 10 बजे पवई पहुंचने से अच्छा है मैं गाड़ी साइड में ला के सो जाता हूँ, क्योंकि वो टाइम बहुत गंदी ट्रैफिक रहेगी और मुझे नींद में ट्रैफिक में नहीं फंसना है। गुजरात में एंटर करने के बाद अब एक चीज नोटिस करोगे कि रोड तो बहुत अच्छी है, लेकिन टोल नाका, ओ माय गॉड, एवरी 20-30 किलोमीटर पे ऐसा लगता है कि टोल नाका आ रहा है। वो 20-30 किलोमीटर पे आता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। गुड मॉर्निंग शानिस, स्लेप्ट वेल? यस शानिस, स्लेप्ट रियली वेल। और शानिस बोल रही थी कि बीच में सोया था, मैं बहुत खतरनाक वाला स्नोर कर रहा था, प्रॉब्ली बहुत ज्यादा थक गया हूँ इसलिए। यार आज जितना ट्रक ट्रैफिक मिला है ना, पूछो मत, जाते टाइम तो इसका 5% भी नहीं मिला था। और सूरत के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश गिरना शुरू हो गई है, अभी फिलहाल बंद है, थोड़ी देर पहले हो रही थी ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। तो लगता है मुंबई पहुंच के बारिश अपने को मिलने वाली है। बॉस स्टिल 177 किलोमीटर्स टू गो। क्या मस्त खतरनाक बारिश हो रही है बॉस, अभी क्या मेरे लिए पहली बड़ी बारिश है तो मुझे अच्छा लग रहा है। मुंबई की पब्लिक तो परेशान हो गई ऐसी बारिश, मैं भी 3-4 दिन में परेशान हो जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो एंजॉय करता हूं। 74 किलोमीटर बिफोर माय हाउस, देखो मुझे क्या दिख गया, मैक कैफे और सीसीडी। तो अभी अपन कॉफी पियेंगे सीसीडी से, मैक कैफे से भी पीने का मन है लेकिन मैक कैफे शायद खुला नहीं है, तो सीसीडी से पियेंगे। बारिश सॉलिड हो रही है लेकिन चुप चुप भी बहुत हो रही है गाड़ी के बाहर, गाड़ी में एसी हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट स्टिल 70 किलोमीटर्स टू गो। प्रॉब्लम 70 किलोमीटर्स नहीं है, प्रॉब्लम पवई है, क्योंकि पवई और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये देखो बैंड बजेगी। इसके लिए मुझे सुबह सुबह या लेट नाइट एंटर करना था, और ये टाइम मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ एंटर करने के लिए, इसलिए मैंने अभी ब्रेक ले लिया कि कॉफ़ी वॉफी मार के फिर मुंबई एंटर करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ और शक्कर डाल देती। इट फील सो नाइस टू बी बैक होम आफ्टर 19-20 डेज। जैसे घर पे आया, नहाया, बिस्तर पे लेटा, सो गया, जब मैं उठा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 1 मिनट लगा है कैलकुलेट करने के लिए मेरे ब्रेन को कि मैं भाई मैं हूँ कहाँ। कुछ सेकंड बाद मेरे ब्रेन को कन्फर्म हो गया, नहीं भाई ये अपना घर ही है। सीधा हॉल में आके कैमरा उठा के ब्लॉगिंग शुरू कर दी। अभी मुंबई का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ह्यूमिड है, लेकिन इतना भी गर्म नहीं कि एसी चालू करना पड़े, बट फिर भी मुझे थोड़ी देर में गर्मी फॉर श्योर लगेगी, बिकॉज अभी ठंडी की आदत हो गई है, तो एसी चालू करूंगा फिलहाल। थोड़ा आई विल लेट माई हाउस ब्रीथ।
वैसे दिल्ली मुंबई इतना फास्ट करने का मेरा इरादा तो नहीं था, बट फिर भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं दिल्ली से निकला दोपहर के 1 बजे और मुंबई पहुंचा सुबह के 7 बजे. मुंबई मतलब मैं गोरेगांव पहुंचा हूँ, गोरेगांव से पवई आते थे मुझे लग गए 1.5 घंटा. तो अगर वो चीज़ मैं कैलकुलेट नहीं करूँ तो मतलब मैंने दिल्ली मुंबई मारा है 19 घंटे में, विच इज़ अ रिकॉर्ड फॉर माई सेल्फ दैट इन अ कार, क्योंकि मैंने गाड़ी में फर्स्ट टाइम किया है. इसके पहले जब मैं मुंबई और दिल्ली गया तो शर्जिल ने 90% टाइम चलाया, तो वो मेरे रिकॉर्ड में नहीं आएगा. इट वॉज रियली अ फन एक्सपीरियंस ड्राइविंग द कार फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. मुझे तो बहुत मजा आया, और मैं कंपेयर करूँ तो मुझे गाड़ी में ज़्यादा मजा आया बिकॉज मैं कंफर्टेबल था. और एज यू गाइस नो, जब मुझे नींद आई तो मैं गाड़ी पार्क करके मैं सो भी गया आधे आधे घंटे के लिए, वो दैट टू 2 बार. सो इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस. ऑडी में तो और मजा आया. और मुंबई आते साथ मेरे जो बाल है वो हो जाते हैं सेट, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये वेदर मेरे बालों के लिए परफेक्टली सूटेड है. एंड आई जस्ट स्पोक टू वसीम एंड अब्दुल भाई, दे आर अप्रोचिंग बड़ौदा. सो होपफुली रात के 12-1 बजे वो लोग पहुंच जाएंगे. तो अगर नॉन स्टॉप आते तो रात के 10 बजे तक पहुंच जाएंगे. मैंने उनको क्या बोला कि सूरत के पहले से बारिश चालू हो जाएगी तो आराम से ब्रेक ले लेके आओ, और 10 बजे नहीं मुंबई एंटर करो आराम से 12-1-2 बजे खाली खाली में. चलो गाइस आज के लिए बस इतने रखते हैं. अभी मैं नहा के थोड़ा अपना ग्रूमिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करूंगा. तो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, व्हिच आई एम श्योर यू डिड, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. नहीं हो सब्सक्राइब का बटन दबा के चले जाना, लेकिन लाइक बटन दबाना अनिवार्य है. अभी मैं नहा धो के थोड़ा रिलैक्स करूंगा और देखूंगा स्ट्रेंजर थिंग्स. अगर आपने नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स में भी देख लो, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं. अच्छा है, इसके पहले मैंने डेजिग्नेटेड सब्सक्राइबर बोला था, बहुत लोगों ने बोला कि अच्छा लगा आपको तो ये भी देख लो. सो विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज ऑलवेज. शुक्रान, अलविदा, मा सलामत, टेक केयर एंड do whatever you want, but good things, my lovely friends. I'll see you in the next episode, probably tomorrow. Shabba khair, bye bye. Mahila, purush, private. ये private क्या है भैया? तुझे पता है private क्या है? शायद जो लोग restaurant में काम करते हैं उन लोगों के लिए खास. I'm guessing.